बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज मैं आया हूँ स्मॉलैंड म्यूज़ियम। यहाँ म्यूज़ियम पे मैं आया हूँ तो ये सामने जो है ये बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन है और ये सामने जो है कुल्तूर हाउस कुल्तूर पार्क इन स्मॉलैंड। तो ये यहाँ म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे बहुत ज़्यादा। मैंने सुना है कि बहुत सारे पुरानी चीज़ें जो है यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ये मेन एंट्री, अंदर जाएंगे और अंदर मैं देखूंगा, अगर गाइड मिल गया तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि जो है वो तफसीलन हमें गाइड करें। अभी मैं इधर देखूंगा, इधर आप कॉफ़ी शॉप भी है, कॉफ़ी पी सकते हैं, तो देखूंगा और पूछूंगा कि भाई यहाँ पे टिकट है या फ्री में लोग हैं या गाइड किस तरह का, वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से डिस्क में दे, ये जो मेन इन्फो है इधर मैं ले लूँगा। ये बहुत पुराने मतलब टाइप की जो है बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई गई है। ये सामने जो है पेंटिंग कलर वाली जो है, पेंटिंग नहीं है, कलर शीशे हैं, जिस तरह चर्च में मैंने आप लोगों को दिखाया था इस तरह के कलरफुल शीशे। ये सारे लोग जो है ये भी आए हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे टिकट जो है लेना होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये टिकट लिए हैं $15 की। तो ये मेन एंट्री है और ये वाला जानवर जो है स्वीडन का कौमी जानवर है, एली कहते हैं इसको स्वीडन में, स्वीडिश में। पुरानी पेंटिंग, बहुत खूबसूरत चिड़िया ये भी पेंटिंग। ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं या शीशे की चीज़ें जो है इस्तेमाल होने वाली, जो ये शीशों वाले जो है ना, ये शीशे। ये पूरे एक फैमिली, ये इसको पूरे इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। ये भी किंग कॉन्ग लेग जो है, जो किंग यूज़ करते थे और किंग जो घर में यूज़ करते थे, ये वाली चेयर्स। और ये उस टाइम की बूट जो है लड़कों के। सॉरी, ये लड़कों के हैं और ये लड़कियों के हैं। जो चीज़ें यहाँ पे, जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये पुराने ज़मानों में स्वीडिश का जो किंग होता था या जो क्वीन होती थी, वो ज़ेर इस्तेमाल, उसके ज़ेर इस्तेमाल में ये चीज़ें रही हैं। ये सारे जितनी भी चीज़ें जो आप लोगों को नज़र आ रही, ये सारे किंग फैमिली के ज़ेर इस्तेमाल में ये चीज़ें रही हैं।
जिस तरह ये है 1800 में बहुत पुरानी चीज़ें जो है ये सारे ग्लासेस के, ये भी जार हो गया, ग्लासेस हो गए, या इस तरह वाइन की ग्लासेस हो गए, जिस तरह ये तस्वीर जो नज़र आ रही है। सर ये जार है फूलों के लिए। ये मैप जो है ये 1600 से लेके 2019 तक जो फैक्ट्रीज थी जो किंग के लिए ये वाइन वाले ग्लास और ये जार सारी चीज़ें जो है ये वाली जो है बनाती थी ये है। तो ये 1600 से 1699 तक, तो ये वाला जो है ये लाल वाला आ गया है इधर था, और 1700 से 1849 तक तो ये बस्ता वेखो सिटी ये है, और वो जो है ब्योर्कनबर्ग, और 1850 से 1999 तक ये सारे जितने भी फैक्ट्रियाज है ये किंग के लिए ये ग्लासेस और सारी चीज़ें बनाती थी। और 1960 से लेके 2019 तक ये पांच फैक्ट्रियाँ जो है ये बनाती थी। और ये कोस्ता, और यहाँ पे सारे जितने भी ये ग्लास फैक्ट्रियाँ जो है इधर बनाती थी। इसमें सिर्फ किंग के लिए नहीं, दूसरे और लोगों के लिए भी जो ग्लास फैक्ट्रियाँ जो है बनाने के लिए ये जो इलाका है यहाँ पे फैक्ट्रियाँ थी। तो ये भी सारा जितने भी वो फैक्ट्री की डिटेल और ईयर्स। इसी तरह ये चाय वाला चानक और इस तरह प्लेट्स, ये पुराने ज़माने के जो मजदूर लोहा बनाने के लिए इस तरह। ये सारे जितने भी चीज़ें हैं ये ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होती थी, जिस तरह जिम होता है, और ये पुराने ज़माने की फैक्ट्री का जो डाई होता है, और ये डाई है, ये छोटी छोटी डाई भी है ये वाली, जो ग्लासेस जार्स और वाइन ग्लासेस ये सारी चीज़ें जो है बनाने के लिए सर जिस तरह ये मशीन है ये बंदा कर रहा है, ये सारे जितने भी हैं ये पुराने ज़मानों में जिस तरह या शीशे का ग्लास, वाइन ग्लास, ये सारे जार जो है ना जिस तरह बनते थे किसी तरह, ये सारे ग्लासेस जो है ये फीसिस है, आप देख सकते हो। ये दो साइड है इसके म्यूजियम के, एक साइड है ग्लासेस वाला जो ग्लास जार और इस तरह की चीज़ें जो बनाता था, इस तरह की वाइन ग्लासेस ये सारी चीज़ें बनाता था, और दूसरा दूसरी जो तरफ है वो भी हिस्टोरिकल है, जिस तरह ये बंदे हैं इसने ये जो ग्लास बनाया है। तो ये 1985 का ये ग्लास जिस तरह बनाया है, ये है 1969 का,
पुराने ज़मानों में जिस तरह हमारे यहाँ अभी जो है ना, जिस तरह हर चीज़ का डिप्लोमा होता है, तो ये पुराने ज़मानों के डिप्लोमे सारे हैं। ये ओरिजिनल नहीं है, मगर इसका प्रिंट आउट निकाल के जो है ना, ये सारे डिप्लोमे हैं। फैक्ट्री में काम करने के लिए जिस तरह इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है, इस तरह के ये पुराने डिप्लोमे हैं। ये सारे जितने भी हैं, ये हैंडवर्क जो है, ये बहुत पुराना 1700 का ये जो है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली चर्च में इस तरह का ये स्ट्रक्चर जो है होता है, जो पियानो बजाने के लिए। मेरे वीडियो में आप लोगों ने खैर देखा होगा, तो चर्च के अंदर इस तरह का ये पुराना जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इधर पियानो रखी होती है और ये यहाँ से जो है ना आवाज़ें आती हैं। जिस तरह ये पियानो है, बहुत पुराना तस्वीर, मरिया इस लड़की का नाम है, यंग उसके इसकी इसके हस्बैंड का नाम यंग था, और ये 1592-1656। तो इधर ये लिखा होता है पुश एंड उठाल जो है, इसका मतलब ये है 1919 और 1985 जो है, और ये सारा बहुत पुराना तस्वीर, ये 1822-1902 इसका छत जो है बहुत ज़्यादा, ये भी पुराने और बहुत सारे जो हैं तस्वीरें बनाई गई है, जिस तरह ये वाला जो बंदा नज़र आ रहा है आप लोगों के शायद, वो इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग और बहुत सारी लिखाई जो है इस पर की गई है। तो ये जो छत है, ये सीलिंग जो है, ये भी बहुत ज़्यादा पुराना है। ये पुराने ज़मानों में जिस तरह ग्लासेस बनते थे, जिस तरह, तो ये भट्टी जो है उसके, ये खैर आज पुरानी खैर नहीं है, नई बनाई गई है, मगर एक जो है बताया गया है कि किस तरह बनता था, जिस तरह ये तस्वीर जो है नज़र आ रही है। और ये सारे सिक्के जो है, ये सारे सिक्के जितने भी हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, बहुत सारे पाकिस्तान का भी है ये पैसा, 49 नंबर वाला जो है, 49 नंबर वाला, इधर देख लेते हैं 49 किधर है, 49 ये
ये 49 तो ये पाकिस्तानी पैसा और ये है 1961 का ये पैसा। तो ये नंबर है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान 1961 10 पैसा और ये है पाकिस्तानी पैसा 10 पैसा 1961 का। ये है 1950 में 450 क्रोन जो है पर मंथ जो है सैलरी थी उस टाइम का जो रेट है ये बताया गया है 3.85 क्रोन का पूरा एक का जो पैकेट था स्मॉल जो था 6.65 का था। और 2022 में जो लोग कमाते हैं मंथली जो सैलरी होती है 32,000 क्रोन। और ये मुख्तलिफ टाइम के 1971 में ये किंग बना था स्वीडन का, ये 1950 से लेके 1973 में बना है, 1973 में इसका डेथ हुआ है। और 1907 से लेके 1950 तक ये, इसके बाद ये और ये 1872 से लेके 1907 तक ऑस्कर नाम था इसका, गुस्तव 5 गुस्तव 6 और ये गुस्तव 16। ये कार्ल 1872 ऑस्कर कार्ल गुस्तव ये लास्ट अभी जो किंग है इस फैमिली से, ये वाला जो है ये वाला जो गुस्तफ ये भी एक ही फैमिली है। कॉल गुस्तफ ये भी जो है बीकेंगे उसकी फैमिली से है। कॉल युआन एरिक गुस्तव ये 1521 से लेके 1560 तक। तो सिक्कों के बाद ये जो पेपर वाले पैसे हैं ये सारे स्वीडन में मुख्तलिफ ज़मानों में ये इस तरह का नोट होता था, ये इस तरह का ये सारे जितने भी हैं। फिर बाद में छोटा छोटा होके जो है ना ये इस तरह का जो है हुआ है। अभी खैर पैसे इसके बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, इतने बड़े नहीं हैं। तो ये तो मुझे याद है ये फेमस, उन्होंने अभी ये ख़त्म हो गए हैं। इस तरह ये है 10,000 का नोट, 50 क्राउन का, 1,000 का, खूबसूरत आर्ट है ये वाला। खूबसूरत डेकोरेशन है ये। ये वाला भी है वाहेंदर, खूबसूरत शीशों का जो डेकोरेशन है ये है। ये भी खूबसूरत डेकोरेशन है। Lost in space.
ये जितनी भी चीज़ें हैं, आर्ट है, ये सारे जितने भी हैं, किंग के लिए भी ग्लासेस बनाते थे और मुख्तलिफ जो डिज़ाइन है आर्ट वर्क जो है ये भी बनाते थे। जिस तरह ये आर्ट, ये वाला वर्क जो है बहुत खूबसूरत है, ये दीवार वाला, तो ये स्वीडन में ये अब भी है। तो ये है पूरे वेखो का मैप 1900 में, इस तरह ये पूरा सिटी जो है इस तरह का। ये सारे जितने भी म्यूज़ियम हैं, ये स्मॉल लैंड एक स्टेट का नाम है, इसके इस्तेमाल में जितनी भी चीज़ें हैं, ग्लासेस और सारे, ये पुराने जो है तलवार है। तो ये स्मॉल लैंड में जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं किंग के लिए, या जो भी हथियार के लिए जो भी चीज़ बनाते थे, हथियार बनाते थे, या लोहा पिघलाने के लिए जो भी इस्तेमाल या फैक्ट्रियाँ, ये सिर्फ स्मॉल लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। स्मॉल लैंड का ये म्यूज़ियम है, ये पूरे स्वीडन का नहीं है, ये सिर्फ स्मॉल लैंड का है। जिस तरह ये अभी तलवार है, ये मुख्तलिफ टाइम में ये जो लोग जो है लोगों को मिलते थे, और फिर जो है लोग म्यूज़ियम में या गवर्नमेंट जो है म्यूज़ियम में यहाँ पे आके रख देते हैं। इस तरह ये है, इस तरह ये कपड़े हैं, ये इस टाइप में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं ये म्यूज़ियम में हैं। ये पुराने ज़मानों के इस तरह के घर होते थे, ये वाला जो खेत है, और इस तरह ये और ये मुख्तलिफ स्टोन जो है जो लोग इस्तेमाल करते थे। इसमें बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें जो है, दो हज़ार साल पुरानी, एक हज़ार साल पुरानी वाली चीज़ें भी इसमें हैं। ये जो पत्थर है और इस तरह की चीज़ें जो है, तो ये है वीडियो का दूसरा पार्ट, और ये दूसरा राइट वाला साइड जो है, पहले वाला साइड जो था वो सारे जितने भी ग्लासेस और सारे जार और किंग के लिए, या मतलब लोगों के लिए जो चीज़ें फैक्ट्री में लोग जो काम करते थे, जो चीज़ें बनाते थे, वो वाला मैंने कवर किया है। और अभी ये दूसरी की साइड जो है, इसमें शूज़ और बहुत सारे मतलब जो लोगों के इस्तेमाल में चीज़ें थी, वो ये वाला हिस्सा है। तो ये सारे पुराने ज़मानों के लड़कों के ये शूज़, और ये वाले शूज़ आप देख लें, और कितना भारी है। ये थोड़ा सा मॉडर्न है। अभी ये वाला देख, वो कितना पतला है। ये भी थोड़ा सा मॉडर्न है। तो ये छोटे बच्चों के शूज़ जो है, और इस तरह ये वाला जो है कारपेट, छोटे छोटे पीसेस जो है कारपेट के, या जो किचन में रखते हैं, या जो घर में जो हम फर्श पर रखते हैं, ये वाले, इस तरह ये वाले पुराने ज़माने के कपड़े, और ये जो किचन में इस्तेमाल करने वाली जो मतलब बर्तन को उठाना और इस तरह की चीज़ें, ये बच्चों के जो छोटे बच्चों के ये जो सर वाली टोपी होती है।
ये 1818 से लेके 1889 तक ये डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो है ना ये लिखी होती है इसके सारे जितने भी मैंने अभी जो दिखाए हैं। ये पुराने जमाने के ड्रम ये पुराने जमाने की पेंटिंग और ये बाजे किंग के लिए इस तरह के लिबास जो है ये इस्तेमाल होता था। किंग इस तरह के लिबास या जर्नल जो है ये इस्तेमाल करता था इस तरह। अभी ये बाबा देख ये 1772 से लेके 1856 तक इसमें सारे जितने भी है ये लाजमी नहीं है कि सारे किंग है। इसमें मुख्तलिफ जर्नल्स भी है मुख्तलिफ जो पैसे वाले जो रिच लोग हैं उसकी तस्वीरें भी हैं या फैक्ट्री के मालिक जो है जिस तरह ये वाला बंदा जो है ये भी जर्नल ही था। जनरल कहते या जर्नल कहते जो भी कहते हैं जिस तरह ये वाला बंदा था ये फैक्ट्री का मालिक था। तो उसकी तस्वीरें सारी जितनी भी है ये म्यूजियम में पड़ी हैं। इसी तरह ये वाला कुर्सी ये शीशा तो ये पुराने जमानों में इस तरह का सेटिंग जो कमरे का सेटिंग है इस तरह कप्स हो गए सारे सेटिंग ये वाला साइड जो है अभी थोड़ा सा हिस्सा मैं बोल रहा हूँ चूँकि जो है बहुत सारे लोग इधर है म्यूजियम में तो उसको भी मैं ले मतलब वो भी वीडियो में ना आए और ऐसा भी मैं ये बोल रहा हूँ तो इसीलिए मैं ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ। ये सारे मुख्तलिफ टाइम की ये घड़ियाँ तो ये पुराने ज़मानों में इस तरह की घड़ियाँ होती थी। ये तो रेलवे स्टेशन पे इस तरह की घड़ी होती है। ये कैप्स लड़कियों के औरतों के इस तरह के मुख्तलिफ टाइम के ये जो भट्टी में हवा देने के लिए इस तरह के ये वाला जो इस्तेमाल हवा देने के लिए इस तरह की चीज़ इस्तेमाल होती है ताकि जो है ना आग जल्दी से हो और तेज़ हो।
अभी ये जो है में ये लड़की जो है इसका ये लिबास और इसके इस्तेमाल की चीजें जो ये इस तरह पुराने जमानों में इस तरह का बक्स भी होता था जो जेवरात और इस तरह की चीज़ें जो क्रोन इस्तेमाल करने के लिए जो रखने के लिए इस तरह ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं ये इसकी पेंटिंग इसके जेर इस्तेमाल में रही है Hela öppet. Då kostar det 4 kronor. Och vad har man då får du också sån här fina tallrikar i trä. 4 riksdaler eller 4 kronor? 4 riksdaler kostar det. Yes. Riksdaler, det var pengar som man hade på den. Och hur mycket? Var det mycket? Det var jättemycket pengar. 4 riksdaler kostar det vad då? Alltså om du vill köpa till exempel allt i affären så kostar det säkert mer än 4 riksdaler. Men hur mycket kostar den där tekannan? Tekannan, den var fin tror jag. Den är ju resanstund. ये सारे जितने बॉक्सेस हैं ये मुख्तलिफ टाइम के ये जो रेलवे में इस्तेमाल होने वाली ये बॉक्सेस हैं ये देखो पहले ज़मानों में गाड़ियाँ थी नहीं तो इस तरह का टांगा होता था और इस टांगे में इस तरह के बॉक्सेस हर टाइम होती थी इस तरह की बॉक्सेस और ये वाली बॉक्सेस जो है इस तरह ये वाली घड़ी और ये वाले बॉक्सेस उसी ज़माने के रेल में जितनी भी रेल स्टेशन में या रेल में जितनी भी बॉक्सेस इस्तेमाल होने वाली थी ये सारे बॉक्सेस जो है उसी ज़माने के हैं अभी ये साइकिल लेक इस पर स्टेरिंग है उस जमाने में लोग फैक्ट्री में भी काम करते थे लोहा बनाने के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में काम करते थे और लोग घर के साथ भी नज़दीक मतलब छोटा सा दुकान खोल के छोटा सा वो बना के इस तरह के काम करते थे तो पहले ज़मानों में सारा जो है ना हैंड वर्क था तो लोग और इस तरह ये जो शू मेकर जो है बूट और ये बनाने के लिए मशीन ये मशीन भी है सेंगर वाली और ये सारे ये जो है माला ये ज़रात में इस्तेमाल करने के लिए ये नाल ये उस टाइम के जो घर होते थे इस टाइप के होते थे ये तो खैर नई बनाई गई है मगर ये वाली चीज़ें जो है ये सारी पुरानी चीज़ें हैं इस तरह ये वाली चीज़ें जो है ये भी पुरानी चीज़ें हैं रियल में ये चीज़ें जो है पुरानी हैं इस तरह ये वाली सेटिंग जो है ये भी पुरानी है और रियल है ये छोटे बच्चों के लिए इस तरह का और ये बेड Das ist
भाई जान यहाँ पे वाईफाई भी फ्री है, ये गाइड वाला रूम। ये छोटे बच्चों के लिए ये वाली जो है ना, ऊपर जाके छोटे बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। ये खूबसूरत डिजाइन है ये वाला। ये सामने जो बिल्डिंग है ये ट्रेन स्टेशन का है। ये भी खूबसूरत डिजाइन है। Das hat uns nur mal geglas war. Das ist dann hier. خوبصورت دیزاینه یه بی ये खूबसूरत डिज़ाइन है। ये शीशा है और शीशे के साथ जो है ये पर लगाए गए हैं। खूबसूरत डिज़ाइन ये भी है। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अमान अल्लाह हाफिज़।